रसिया में एक ऐसी जगह है जहां दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा है, कोलासुफोर्डी वॉरहॉल, जिसे नर्क का द्वार भी कहा जाता है। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग नर्क जैसे चीजों में यकीन नहीं करते हैं, पर इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। सन 1917 में रसिया के वैज्ञानिकों ने खोदना शुरू किया था। अमेरिका के वैज्ञानिकों को चुनौती देने के लिए वे ज्यादा से ज्यादा खोदना चाहते थे। लगभग 19 साल के खुदाई के बाद साइंटिस्ट 12 किलोमीटर गहराई तक पहुंच चुके थे। ये इतना गहरा है जिसमें 240 फीट के 176 कुतुब मीनार आराम से समा सकता है। इस खुदाई के लिए यूरेमस नाम के बहुमुखी ड्रिलिंग मशीन बनाया गया था, जो किसी भी परिस्थिति में ड्रिलिंग करने के लिए सक्षम था। सालों के कड़ी मेहनत के बाद जब रसिया के वैज्ञानिक 262 मीटर गहराई पर पहुंचे, यानी 40,230 फीट गहराई पर पहुंचे, तब कुछ रहस्यमय कारणों के चलते मशीनों ने काम करना बंद कर दिया। उस वक्त जमीन का तापमान 180 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा मापा गया। इतना ही नहीं, तापमान तेजी से बढ़ने भी लगा था। इसे देखते हुए तत्काल काम रोक दिया गया और तब साइंटिस्ट ने इस हॉल का नाम डोर टू हेल रखा था, यानी नर्क का दरवाजा। दरअसल कोलासुफोर्डी वॉरहॉल इंसानों के द्वारा बनाया गया एक आर्टिफिशियल गड्ढा है, जिसने विज्ञान को एक पूरी की पूरी नई दुनिया दिखा दिया। उस समय वैज्ञानिकों ने 1500 मीटर गहराई तक पहुंचने का टारगेट रखे थे, लेकिन उस समय दुनिया के सबसे अनोखे मशीन का यूं बंद पड़ जाने से वैज्ञानिक चिंताजनक स्थिति में आ गए थे। इस अनोखे मशीन का नाम यूरल्मस था, जो मल्टी लेयर ड्रिलिंग सिस्टम से बना हुआ था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे पृथ्वी का कोर यानी केंद्र भाग जमीन से करीब 6500 किलोमीटर नीचे है और यह नर्क का द्वार सिर्फ 12 किलोमीटर गहरा है, जो उसके 0.2% भी नहीं है। इसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पृथ्वी के गर्भ में पहुंचना कितना कठिनाई भरा है। लेकिन यहां सवाल उठता है कि इतने सालों के खुदाई के दौरान आखिर साइंटिस्ट को उस गड्ढे से क्या मिला। इस गड्ढे का एक्सपेरिमेंट दुनिया के सबसे अमेजिंग एक्सपेरिमेंट में से एक था। इस गड्ढे से अनेकों रहस्यमय चीजें मिली, जिसके बारे में साइंटिस्ट ने कभी खुलकर नहीं बोला, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें भी मिली थी जिसके बारे में उन्होंने बताया था। जब उस गड्ढे को लगभग 7 किलोमीटर तक खोदा गया था, तब साइंटिस्ट को धरती के नीचे पाए गए पत्थरों में पानी मिला। जी हाँ, धरती के इतने नीचे जल की मौजूदगी अपने आप में ही एक बड़ा डिस्कवरी था, क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं था कि धरती के 7000 मीटर गहराइयों में भी जल मिल सकता है। इसके अलावा इस गड्ढे के 7600 मीटर गहराइयों में कुछ सूक्ष्म जीव भी मिले थे, जो इस गड्ढे के सबसे हैरान कर देने वाली खोजों में से एक है, क्योंकि इतने गहराइयों में किसी भी जीवन की मौजूदगी नामुमकिन थी। देखो, हम जमीन में जितना नीचे जाएंगे टेम्परेचर उतना बढ़ता जाएगा और अत्यधिक तापमान में जीवन का होना संभव नहीं है। लेकिन साइंटिस्ट ने जो सोचा था उसका उल्टा हुआ। इस गड्ढे से अनेकों माइक्रोब्स मिले, जो उतने टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकते थे। आश्चर्य की बात तो यह है कि ये सभी माइक्रोब्स पानी में नहीं थे, बल्कि इस गड्ढे के गहराइयों में मौजूद पत्थरों में पाए गए, जो करोड़ों साल पुराने थे। सिर्फ इतना ही नहीं, साइंटिस्ट को उस गड्ढे से हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे बहुत सारे गैसेस भी मिली थी, जिसके बारे में वैज्ञानिकों ने कभी सोचा ही नहीं था। वैज्ञानिकों ने इस अनोखे ड्रिलिंग मशीन में एक माइक्रोफोन भी लगा रखे थे, जिसमें से कुछ रहस्यमय आवाजें रिकॉर्ड किया गया था। आपके लिए मैं वो रिकॉर्डिंग प्ले करके सुनाता हूं। इन आवाजों को साउंड ऑफ हेल भी कहा जाता है, यानी नर्क की आवाजें। आपको बता दूं, धरती में गड्ढे खोदने की कोशिश आज तक कई देशों ने किया है, जिनमें अमेरिका, जर्मनी और रूस प्रमुख हैं। धरती में 15 किलोमीटर गड्ढे खोदने की ये नाकाम कोशिश हालांकि कभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन कुछ किलोमीटर के चट्टानों को खोदकर जो सभी रहस्य इन देशों को पता चला, उसे कभी पब्लिक में रिलीज नहीं किया गया। उसी तरह कोलासुफोर्डी वॉरहॉल को बंद करने का कई रीज़न बताया गया, जिसमें से पहला कारण था टू हॉट टेम्परेचर। वैज्ञानिकों के अनुसार इस गड्ढे के सबसे निचले हिस्से में तापमान 180 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा था, जो उनके अनुमान से कई गुना अधिक था। इसके अलावा इतने गहराइयों में पत्थरों की डेंसिटी बढ़ती जा रही थी, जिस वजह से साइंटिस्ट को ड्रिलिंग करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।
फाइनली 2006 में इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया, साथ ही सभी ड्रिलिंग उपकरणों को नष्ट कर दिया गया और 2008 में इस साइट को सील कर दिया गया, जिससे और कोई भी इस प्रोजेक्ट को फिर से शुरू ना कर सके। अब यह पूरी तरह से बंद हो चुका है, अब आप चाहकर भी यहाँ जा नहीं सकते। अब तक मैंने आपको जो कुछ भी कहा यह तो पब्लिक में रिलीज किया गया था, लेकिन इस गड्ढे को बंद करने के पीछे कुछ ऐसे भी कारण थे जिसे पब्लिक से छुपाया गया था। कई लोगों का कहना है कि वैज्ञानिकों को धरती के खुदाई करने पर नीचे नर्क में एक पोर्टल खुल गया, जिसमें से लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थी, इसीलिए इस गड्ढे को बंद कर दिया गया। सुनने में बकवास जरूर लग रहा होगा, लेकिन कई रिसर्चर्स ने दावा किया कि ये आवाजें आत्माओं की है जो नर्क से आ रही थी। दोस्तों, इस गड्ढे को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जगह मिली है, जो दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा है। लेकिन इस गड्ढे को बंद करने के पीछे का रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया। लेकिन आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए।